एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले सात साल से एमपी हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण, देखे हैं यूट्यूब पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं। लोकसभा में भाषण देते हैं, पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसे पे, एक पैसा, एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।